उदाहरण तीन, दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? हल। पहले समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य बराबर, हम एक लेते हैं। पहले समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य एक है, इसीलिए पहले समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/14 होगा। अब दूसरे समूह द्वारा 21 दिन में 21 दिनों में किया गया कार्य बराबर, हम एक ले लेते हैं, एक कार्य को पूरा एक ले लेते हैं। तो दूसरे समूह द्वारा 1 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1/21, ये 21 जो है पक्षांतरों के नीचे आ जाएगा, 21 1/21 हो जाएगा। तो दूसरे समूह द्वारा 21 दिनों में किया गया कार्य 1/21। अब दोनों समूहों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य बराबर, पहले समूह द्वारा किया गया कार्य 1 दिन में किया गया कार्य 1/14 है, और धन दूसरे समूह द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/21 है। तो यहाँ हम 1/14 और 1/21 का योग करेंगे तो दोनों समूह द्वारा मिलकर 1 दिन में किया गया कार्य हमें प्राप्त होगा। अब हम इसको हल करने के लिए दो परिमेय संख्या 1/14 धन 1/21 है, तब हम इसे 14 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक अपना 42 आएगा। 42 को जब हम 14 से भाग करेंगे तो क्योंकि हम जानते हैं कि 14 तिया 42 तो 3 आएगा उत्तर। 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 धन 42 को 21 से भाग करने पर हमें 2 प्राप्त होगा, 2 एकम 2, इस तरह से 5/42 आया। तो दोनों समूह द्वारा मिलकर 1 दिन में किया गया कार्य 5/42 है, अर्थात दोनों समूह मिलकर 5/42 कार्य पूरा करते हैं बराबर 1 दिन में। तो अतः दोनों समूह मिलकर कार्य पूरा करते हैं, अतः दोनों समूह मिलकर कार्य पूरा करते हैं
बराबर 42 बटा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 42 बटा 5 बराबर, जब हम इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 5 8 40 और 2, तो हमें प्राप्त हुआ कि यह जो दोनों समूह मिलकर एक कार्य को 8 2 बटा 5 दिनों में पूरा करेंगे, पूरा दिनों में पूर्ण करेंगे। तो यह इस प्रश्न का हल होगा, अतः हमारा जो उत्तर है वह 8 2 बटा 5 दिनों में दोनों समूह मिलकर एक कार्य को पूर्ण करेंगे। दो या अधिक भागों में बांटना, प्रायः हमें किसी राशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की आवश्यकता पड़ती है। दो से ज्यादा हिस्सों में बांटते समय तीन परिस्थितियां आ सकती हैं। पहली, या तो सभी को बराबर भाग मिले, इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि प्रत्येक को कितना मिलेगा। दूसरी स्थिति यह होगी कि एक को दूसरे से अधिक मिले और तीसरे को दूसरे से अधिक मिले। और तीसरी स्थिति जब एक राशि को किसी खास अनुपात में बांटा जाए, जैसे तीन व्यक्तियों को कोई राशि ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटना हो। अनुपात में बांटने का एक उदाहरण देखें। तीन मित्रों लता सोनू व पुरेंद्र ने क्रमशः 3 लाख 5 लाख तथा 7 लाख मिलाकर 15 लाख रुपए की लागत से कपड़ा व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2,25,000 रुपए का लाभ हुआ। इस लाभ में से तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए? क्या तीनों में बंटवारा बराबर बराबर होगा? यदि नहीं तो वे लाभ का वितरण किस तरह करेंगे, आइए देखें। चूंकि व्यवसाय में तीनों के द्वारा दी गई राशि अलग अलग है, अतः वे तीनों लागत के अनुपात में ही लाभ को बांटना चाहेंगे। तीनों के लागत का अनुपात 3:5:7 है, अतः उन्हें प्राप्त कुल लाभ का 3 के 5 के व 7 के हिस्सा मिलेगा, अर्थात 3 के धन 5 के धन 7 के बराबर 2,25,000, यानी कि 15 के बराबर 2,25,000। हल करने पर के बराबर 2,25,000/15, जिससे के का मान मिलेगा 15,000। अतः व्यवसाय में हुए लाभ में लता का हिस्सा 3 के अर्थात 45,000 रुपये, सोनू का हिस्सा 5 के अर्थात 75,000 रुपये तथा पुरेंद्र का हिस्सा 7 के अर्थात 1,05,000 रुपये। सोचें एवं चर्चा करें, निम्नलिखित तीनों स्थितियों में बांटने की प्रक्रिया क्या होगी? पहला, जब सभी को बराबर मिले। दूसरा, जब एक को दूसरे से 10 अधिक मिले। तीसरा, जब एक को किसी खास अनुपात में मिले।